कुछ पौधों को सहारा देना काफ़ी ज़रूरी होता। सहारा देने से पौधे अच्छे से बढ़ते भी हैं और साथ ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सहारा देने के प्रोसेस को स्टैकिंग कहा जाता है। इस वीडियो में आगे मैं आपको स्टैकिंग के अलग अलग इंटरेस्टिंग मेथड्स बताने वाली हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैकिंग का सबसे आसान तरीका है कॉइल स्टिक या मॉस स्टिक लगाना। ये तरीका आप उन सारे पौधों में यूज़ कर सकते हैं जिसमें नोड्स पर से जड़ निकलते हैं, जैसे कि मॉन्स्टेरा, फाइलोडेंड्रंस और मनी प्लांट। मॉस स्टिक के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके मैंने कुछ चीज़ों से ये मॉस पोल बनाया है, जिस पर आप देख पा रहे होंगे मेरा मंजूला और मार्बल क्वीन मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा। फ्रेंड्स, मैंने ये पोल कैसे बनाया है इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कई सारे शेप का मॉस स्टिक बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला सर्कुलर मॉस स्टिक मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर बनाया था और अभी फ़िलहाल ये मेरा फेवरेट है। जो पौधा मैंने इसके साथ लगाया हुआ है उसका कॉमन नेम छिपकली बेल है। इस पौधे में भी नोड्स पर से पत्तियों के साथ जड़ निकलते हैं और वो जड़ इस मॉस के अंदर फैल जाएंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को जकड़ लेंगे और ये बाद में काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला। मैं इसे बनाने का डिटेल वीडियो अपने नेचर इन पॉट चैनल पे डालने वाली हूँ। उस चैनल पे मोस्टली क्रिएटिव वीडियोस रहते हैं, तो अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब स्टैकिंग का दूसरा तरीका देख लेते हैं। दोस्तों, जो सारे पौधे में नोड्स पर से जड़ नहीं निकलते हैं उसमें मॉस स्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल स्टिक लगा दीजिए, किसी पेड़ का ब्रांच लगा सकते हैं या बैम्बू स्टिक्स लगा सकते हैं। दोस्तों, बताए हुए सारे स्टैकिंग मेथड में जो एक चीज़ काफ़ी कॉमन है वो है ये जिप लॉक टाई। इसकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसकी जगह पे आप जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जूट की रस्सी जब आप यूज़ करें तो उसे हर 3-4 महीने में बदलना मत भूलिएगा। अगला स्टैकिंग मेथड है इस तरीके के मेटल केज को यूज़ करना। बड़े आसानी से ये गमले में सेट हो जाते हैं, आसानी से आपको अलग अलग शेप और साइज़ में ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं कुछ परचेज लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, इस तरह की स्टैकिंग को यूज़ करके आप छोटे क्रिपिंग प्लांट्स जैसे कि चेन ऑफ ग्लोरी, ब्लीडिंग हर्ट, एलेमेंडा, मैंडिविला, इन सबको बड़े आराम से लगा सकते, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। थोड़े बड़े क्रीपिंग प्लांट्स की बात करें, जैसे कि गार्लिक वाइन, रंगून क्रीपर, मधुमालती, अपराजिता, तो उसके लिए मुझे तो ये अम्ब्रेला सेटअप बहुत ही अच्छा लगता। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, लो कॉस्ट और काफ़ी खूबसूरत लगता। आपने मेरे वीडियोस में और भी कुछ अम्ब्रेला प्लांटर्स देखे ही होंगे, इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लत वाले सब्जियों के पौधों को सहारा देने के लिए आप वेजिटेबल नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों कोनों को अच्छे से बांध दीजिए, उस पर सब्जियों के लत काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। यहाँ पे मैंने परोल लगाए हुए हैं और मैंने खीरा भी इसी मेथड से ग्रो करा है। इतने सारे इंटरेस्टिंग स्टैकिंग मेथड बताने के बाद मैं आपको एकदम ज़ीरो बजट स्टैकिंग मेथड बता दूं, और वो है किसी भी पेड़ के टूटे हुए ब्रांच को यूज़ कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे करेले के पौधे में अमरूद के पेड़ के टूटे हुए ब्रांच को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे सेम मेथड मैंने एक खीरे के पौधे को भी ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बड़ा सस्ता सा मेथड है, कहीं पर भी ट्री का ब्रांच अगर आपको टूटा हुआ मिल जाए या फिर अगर आपने कोई भी ट्री प्रून कर रहे हैं तो उसके ब्रांच को यूज़ कर लीजिए। चलिए अब मैं अपने वेनिला ऑर्किड के प्लांट में कॉइल स्टिक लगा देती हूँ। वेनिला ऑर्किड में भी नोड्स पे से रूट्स निकलते हैं, इसलिए कॉइल स्टिक काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ स्टैकिंग मेथड मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। अगर आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टैकिंग मेथड मालूम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी जानकर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन, साइनिंग ऑफ।